ये अभी ये चर्चा चल रही है कि जितने भी बिहार में टॉप 10 में बच्चे आए हैं उन्हें कहीं ना कहीं से प्रलोभन आ रहा है, वो कहीं दूसरे जगह पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कुछ संस्थान के द्वारा पैसे देकर उन्हें बताया जा रहा है कि वो उस संस्थान में नहीं रहकर दूसरे संस्थान में पढ़ाई किया है। तो आपने कहाँ से पढ़ाई की है और उस आपके इस उपलब्धि में किसका योगदान ज़्यादा है, ये बताइए जी। मैं सारी बातें प्रारंभ से विस्तार से बताना चाहता हूँ। कक्षा 11th में एडमिशन लेने के बाद जब मुझे प्रारंभ में कॉमर्स का कोई अच्छा कोचिंग नहीं मिला तो मैंने नज़दीक में इस शहर के ही एक कोचिंग में एक महीने पढ़ाई की। उसके बाद जब मुझे सचदेवा कॉमर्स कोचिंग के बारे में पता चला कि संस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है तो मैंने यहाँ आने का निश्चय किया। और मैंने 11th और 12th जब तक परीक्षा नहीं हुई तब तक अपनी कॉमर्स की पढ़ाई यहीं की है और संस्थान के निदेशक श्री धीरज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में मैंने अपनी पढ़ाई पूर्ण की और ए रैंक हासिल किया है। मेरे बारे में शहर में जो भी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं वो पूर्णतया भ्रामक है और उन तथ्यों में किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि इस तरह की अफवाहों में न पढ़ें और ये जान लें कि मैंने अपनी पूरी पढ़ाई सचदेवा कॉमर्स कोचिंग से ही की है और यह सफलता पाई है। अगर इसके पश्चात भी कोई संस्थान किसी तरह का भ्रामक प्रचार करता है और मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करता है तो मैं न्यायालय की शरण लेने में नहीं हिचकूंगा। धन्यवाद।